यीशु वचन चैनल में आपका स्वागत है। यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बाइबल से जुड़ी हर एक वचन की वीडियो आप सबसे पहले सुनने पाए। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का तृणगण ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा सब सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे। आमीन।